मैं हिंदुस्तान की बेटी माधुरी कलाल आपको ये बता दूं कि बेबस बेटियों पर जुल्म के इंतहा पार करने वाले बरादर के ये गुर्गे पंजशीर के शेरों के सामने ढेर हैं। मसूद आर्मी के सामने तालिबान की नकली फौज पानी भर रही है। 7 दिन की भीषण लड़ाई के बाद भी तालिबान को 1 इंच जमीन हासिल नहीं हुई है। ऊपर से सैकड़ों सैनिक जहन्नुम में जा चुके हैं। हार सामने देखकर बरादर अब वार्ता की गुहार लगा रहा है। मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको यह बता रही हूं कि राष्ट्रवादी सेना के सामने इन गीदड़ों की फौज कभी नहीं टिक सकती। मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस अपने हक और अपने राष्ट्र के हित के लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो अपना राष्ट्रवाद समझता है। मसूद और साले ने साफ साफ कह दिया है कि वार्ता होगी तो उनकी शर्तों पर। तालिबान के क्रूर शासन में वो कभी नहीं मानेंगे। मैं हिंदुस्तान की बेटी ये बता रही हूं कि मुल्लों की फौज सिर्फ बेटियों पर अपनी मर्दानगी दिखा सकती है। इन असली शेरों के सामने ये गीदड़ है। बेटियों के सामने शेर, पंजशीर के सामने ढेर। सात दिन की लड़ाई में ही तालिबान वार्ता को तैयार। मसूद की सेना के सामने घुटनों पर बरादर आर्मी। कहावत तो सुनी होगी, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तालिबान की मौत आई है तो शेरों की माद में घुसने की जरूरत कर रहा है। जहां मसूद की राष्ट्रवादी सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। कहते हैं जब राष्ट्रवादी सेना हथियार उठाती है, जंग जब हक की लड़ाई बन जाती है, तब गीदड़ों की फौज मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो जाती है। नॉर्दर्न अलायंस के सामने पंजशीर में तालिबान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आधुनिक हथियारों से लैस तालिबान के हजारों लड़ाके भी पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मसूद की सेना ने गुरिल्ला वार में तालिबान को इस कदर बेदम कर दिया है कि उसे मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। अमेरिकी सेना को मुल्क से भगाने का दावा करने वाला तालिबान पंजशीर में पानी भरने को मजबूर है। पंजशीर के शेरों को सरेंडर का अल्टीमेटम देने वाला मुल्ला बरादर अब खुद मसूद के कदमों में झुकने को तैयार है। 7 दिन में ही उसने अपने चूहों की औकात जान ली है और पाकिस्तानी सेना और लश्कर जैश के ट्रेन कमांडरों के भरोसे काबुल फतेह करने वाले तालिबान को समझ आ गया कि असली युद्ध क्या होता है। अजय पंजशीर घाटी में कमजोर पड़ने पर तालिबानी नेताओं ने अहमद मसूद की सेना से वार्ता करने में ही भलाई समझी है। तालिबान ने 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को समझौते के लिए पंजशीर घाटी भेजा है। मंगलवार को ही तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि वो बातचीत से समाधान निकालना चाहते हैं। पंजशीर के लोग लड़े नहीं, बातचीत करें। तालिबान बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहता है। पंजशीर में अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्ला सालेही ने मोर्चा संभाल रखा है। मसूद के लड़ाके आधुनिक हथियारों से लैस हैं और राष्ट्रवादी जोश से लबरेज हैं। यही वजह है कि 7 दिन की भीषण लड़ाई के बाद भी तालिबान को कुछ हासिल नहीं हुआ है। नॉर्दर्न अलायंस ने फूट डालने और मौत का डर दिखाकर सरेंडर की धमकी फेल होने के बाद तालिबान वार्ता को तैयार है, लेकिन मसूद ने साफ कर दिया है कि सिर्फ समझौते और बातचीत से ही बात बनेगी।
हम किसी एक प्रांत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे मुल्क के लिए एक प्रांत से लड़ रहे हैं। हम तालिबान को महसूस कराना चाहते हैं कि सिर्फ समझौते और बातचीत से बात बनेगी, और हम उनसे बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, और हम चाहते हैं कि तालिबान ये जाने कि जो मैंने कहा वही मूल्य मायने रखते हैं, ना कि किसी तरह का सैन्य विजय। मसूद के साथ सालेह भी दो टूक कह चुके हैं कि अफगानिस्तान तालिबानी मूल्यों से नहीं, अफगानी मूल्यों से ही चलेगा, तभी बात बनेगी। पंजशीर के किले पर मुंह की खाने से झल्लाए तालिबानी लड़ाकों ने आज काबुल में मसूद फाउंडेशन के दफ्तर पर कब्जा कर लिया। पंजशीर में मिली हार की खुन्नस तालिबान ने आज अहमद मसूद के ऑफिस में कब्जा करके निकाली। मसूद के दफ्तर के बगीचे में तालिबानी लड़ाके डेरा जमाए नजर आए। पिछले 7 दिन से तालिबान ने पंजशीर को चारों तरफ से घेर रखा है, प्रांत की रसद सप्लाई बंद कर रखी है, फिर भी उसे फतह हासिल नहीं हुई, उल्टा उसके लड़ाके बड़ी संख्या में ढेर हो चुके हैं। इससे पहले तालिबान ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था ताकि उसके लड़ाकों का हौसला बना रहे। इस वीडियो में दिख रहा है कि तालिबानी सेना ने पंजशीर की पहाड़ियों के पास बंकर बना रखे हैं और बड़ी मशीन गनों से भीषण युद्ध कर रहा है, हालांकि उसकी पोल खुल चुकी है। पंजशीर के शेरों ने साफ कर दिया है कि वो तालिबानी क्रूरता और तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस इलाके में कभी पाकिस्तानी तालिबानी क्रूरता और तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तालिबानी टेरर के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तजाकिस्तान से नए हथियार, गोला बारूद और रसद मिलने से मसूद की सेना के हौसले बुलंद हैं। वो तालिबानी राक्षसों का अंत करने के लिए तैयार हैं। अहमद मसूद खुद फ्रंट से अपनी फौज को लीड कर रहे हैं, दूसरे कमांडरों के साथ वो फौज का हौसला बढ़ा रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस ने पंजशीर के पहाड़ों पर जिस तरह से मोर्चेबंदी कर रखी है उससे इतना तो साफ है कि मसूद और सालेह किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं, बातचीत भी करेंगे तो अपनी शर्तों पर, यानी पंजशीर में तालिबान की हुकूमत नहीं चलेगी, शेरों के किले में सत्ता राष्ट्रवादियों की ही रहेगी, मुल्ला के गिदड़ों को बिलों में ही रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओवैसी को क्यों पप्पा याद आए, बबुआ क्यों बाबू जी से घबराए, जमाती जिन्ना राम से खार खाए, यूपी चुनाव में तालिबानी तांडव, यूपी बोल रहा है। देखिए मेरे साथ रात 9:57 पर।